अस्सलामुअलैकुम K21 न्यूज के साथ मैं हूं करत रैनबक और मैं हूं शर्जील अरशद। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। ताज़ा कर दी, इसराइल के गजा में हमले, 14 बच्चों समेत 55 फलस्तीनी शहीद, हमास की भरपूर जवाबी कार्रवाई, सिहोनी रियासत लरस गई, 5 हलाकतें। इसराइली हमलों की मजम्मत, बतौर वजीर आजम फलस्तीन के साथ खड़ा हूं, इमरान खान का मजलूमों का पैगाम, कोई इस्लामी रियासत तनहा कुछ नहीं कर सकती, इत्तेहाद नागुजीर हो गया। वजीर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्हें रियासत खत्ते को कब्रिस्तान बनाने पर तुली है, शहबाज शरीफ का रद्द अमल। ये भागी शहरी के वक्त जो है वो हदैबिया के केस के टूटने की वजह से रहे थे, ये भागने की बुनियादी वजह इनकी ये थी कि ये हदैबिया केस से खौफजदा थे और आज जो है कैबिनेट कमेटी ने इनका नाम नैब की दरखास्त में ईसीएल में डालने के लिए कैबिनेट को भेज दिया है। शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश, बॉल काबीना की कोर्ट में, ऑपोजिशन लीडर को 15 दिन में नजरसानी की अपील दायर करने की सहूलत, चावलों की बोरियां लाने पर तनकीद करने वालों को भी शेख रशीद का जवाब। ये इमरान खान ही था, ये उसका सऊदी अरब से जो ऐसे मुझे महसूस हुआ कि बिन सुलेमान जो है मोहम्मद बिन सुलेमान दे आर जस्ट लाइक फ्रेंड्स, और वो लोग जो बातें करते हैं कि हम फितराने के चावलों पे, यार शर्म करो, तुम्हारी सोच ही जो है वो फितराने वाली है, तुम्हारी सोच ना बालिग है, फितराने और चावलों वाली सोच है। शहबाज शरीफ साहब जवाबते हैं कौन को, अदालत को, कि कहां गई उनकी गारंटी, कहां है वो बयान हल्फिया, और अदालत इसका नोटिस ले, हम समझते हैं इसका नोटिस लेना चाहिए। शहबाज शरीफ की गारंटी कहां गई, ऑपोजिशन लीडर चल फिर रहे हैं, ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं, मुल्क में मुकदमात का सामना करें, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर मगर की कैफियत बरकरार, सबको शवाल के चांद की तलाश, मरकजी रोए हिलाल कमेटी के फैसले का इंतजार, हतमी ऐलान चेयरमैन मुफ्ती अब्दुल कबीर करेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद की पैदाइश गुज़िश्ता रात हुई, आज रोयत का इम्कान कम है। ईद घर पर मनाएं, साहिल पर ना जाएं, पुलिस ने सरफिरों को दिमाग ठीक करने का प्लान तैयार कर लिया, 100 से ज्यादा अहलकार तैनात, सीबीयू के एतराफ, तमाम रेस्टोरेंट और टेक अवे भी बंद। एसओपीज के खिलाफ वर्जी, पुलिस ने न्यू कराची में गैर कानूनी बचत बाजार बंद करा दिया, कई अपराध गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। कराची की सड़कों पर कत्ल किए गए 50 अफराद के बरसी, साने 12 मई के मुतासरी 14 साल बाद भी इंसाफ के मुंतजिर, मुजरिमान जमातें हासिल करने में कामयाब। कोरोना से मजीद 104 अमवात, 2869 केसेस रिपोर्ट, मुतासरीन की तादाद 8,67,000 से ज्यादा। वजीर आला सिंह ने रेस्टोरेंट और टेक अवे की इजाजत दे दी, रमजान के हर हफ्ते केसेज और अमवात बढ़ते रहे, कोरोना टास्क फोर्स इजलास में ब्रीफिंग, ईद पर वैक्सीनेशन सेंटर खुले रखने की हिदायत। फोन पर हेलो हेलो का दामा, महंगाई खत्म नहीं कर सकता, बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर तनकीद,
तब्दीली का नारा कौम के साथ दौड़ की तबाही है, चेयरमैन पीपल्स पार्टी का बयान। बहरे अरब में 16 मई को तूफान का खतरा, पीडीएमए सिंध ने माहीगीरों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। और गैर मामूली दुश्मनों को ठिकाने लगाने का मिशन, हॉलीवुड फिल्म वैनम के सीक्वल का ट्रेलर जारी।